पेटीएम जैसे कई डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ग्राहकों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित हुए हैं, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बढ़ते हुए साइबर अपराधों के दौर में आपकी जागरूकता अनिवार्य है। आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है किसी भी तरह का, किसी भी परिस्थिति में किसी से शेयर ना की जाए जब तक कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जो आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको पूरी तरह सिक्योर रखिए और किसी से शेयर मत कीजिए। पेटीएम की KYC के लिए फ़ोन आया कि आपकी पेटीएम की KYC खत्म हो रही है वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। मेरा अपडेट भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने KYC के लिए उन्होंने मुझे एक ऐप बोला डाउनलोड करने के लिए, जो मैंने डाउनलोड करी अपने फ़ोन पे। तो मैंने उनसे ये भी मतलब उनको बोला कि KYC तो जाके भी होता है, उन्होंने बोला आजकल सब ऑनलाइन होता है। राजधानी पुलिस ने पेटीएम की KYC कराने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। एडवांस कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा हासिल कर इन शातिर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि देहरादून रायपुर में एक महिला के साथ इन शातिर अपराधियों ने 4,45,000 की ठगी को अंजाम दे डाला। लेकिन मीन टाइम कई सारी जानकारियां पुलिस टीम को हमारी प्राप्त हुई कि इसमें कि एक पर्टिकुलर स्थान से ऑपरेट नहीं हो रहा है और कई जगह इसमें ई वॉलेट के माध्यम से पैसे की निकासी हो रही है। तो उसमें हमारी जो टीम है वो अलग अलग स्टेट्स पे स्प्लिट कर गई और जो लोकल पुलिस है उनको साथ में लेकर के इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों का अरेस्टिंग इस पूरे ऑपरेशन में हुआ। और जो 3 लोग जो जिस महिला के साथ ठगी हुआ है उसमें इन्वॉल्व थे उनका अरेस्टिंग किया गया, ट्रांजिट रिमांड लिया गया है और लगभग 53,000 रुपये के आसपास इसमें रिकवर हुआ है और 9 मोबाइल जो हैं वो रिकवर हुए हैं और लगभग 20 अनयूज्ड और 27 यूज्ड सिम जो है रिकवर किए गए हैं इनसे। तो उन्होंने बोला एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, वो फिल कर दीजिएगा और उसके बाद आपकी KYC हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर बोला डाउनलोड करें, फोन डम पे डाउनलोड करने के बाद उन्होंने बोला कि मैडम 1 रुपये उसकी फ़ीस है, तो आप अपने पेटीएम वॉलेट से उसको पे करें। उसके बाद फिर जैसे ही 1 रुपये कटा उस तुरंत 45,000 रुपये पहले कट गए एक अकाउंट, क्योंकि मेरे दोनों बैंक अकाउंट UPI से लिंक थे। तो जैसे ही वो कटे तो उन्होंने बोला कि ये पैसा, मैंने उनसे पूछा ये पैसा कहाँ गया, तो उन्होंने बोला ये पैसा आपकी बैंक लिमिट हो गया, मतलब मंथली ट्रांजैक्शंस की ये लिमिट तक। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, उन्होंने बोला फिर आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि मैंने कहा दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें, उन्होंने बोला नहीं, अब मैंने कहा मुझे इसी अकाउंट में पैसे वापस चाहिए। तो बस उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपना दूसरा अकाउंट का बैलेंस चेक करिए। जैसे मैंने बैलेंस चेक किया तो उसमें से 4,10,000 रुपये वो भी कट गए। मामले में संलिप्त 3 अपराधियों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर देहरादून पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, देहरादून।